हेलो दोस्तों, सभी का नमस्कार। आज हम चलते हैं रनकपुर जैन मंदिर में। जी, इसका थोड़ा इतिहास और जानकारी अगर बटोरे तो दोस्तों, रनकपुर जैन मंदिर राजस्थान में स्थित जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये किस ये राजस्थान राज्य में आता है? जिला उदयपुर। दोस्तों, निर्माण यह 600 वर्ष पूर्व यानी कि 1446 ईस्वी में हुआ था। अगर मंदिर के बारे में जाने तो मंदिर के उत्तर में रायन पेड़ स्थित है। इसके अलावा संगमरमर के टुकड़े पर भगवान ऋषभ देव के पद चिन्ह भी हैं। ये भगवान ऋषभ देव तथा शत्रुंजय की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। दोस्तों, रनकपुर जैन मंदिर राजस्थान में स्थित जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रनकपुर मंदिर उदयपुर से लगभग 96 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के जैन मंदिरों में संभवतः इसकी इमारत सबसे भव्य तथा विशाल है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम रनकपुर पड़ा। यहाँ के जैन मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। केवल रनकपुर में ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जगहों में भी अनेक प्राचीन मंदिर है। जैन मंदिर के आस्था रखने वालों के साथ साथ वास्तुशिल्प के दिलचस्पी रखने वाले भी यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। यह इमारत लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैली है। संभवतः 600 वर्ष पूर्व 1446 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जो 50 वर्षों से अधिक समय तक चला। इसके निर्माण में करीब 99 लाख रुपए का खर्च किए गए थे। उदयपुर से रनकपुर जैन मंदिर के लिए प्राइवेट बसें और टैक्सियां भी चलती हैं। दोस्तों, वहां से आ सकते हैं। मंदिर में 4 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के मुख्य गृह में तीर्थगढ़ आदिनाथ की संगमरमर से बनी 4 विशाल मूर्तियां हैं। संभवतः 72 इंच ऊंची ये मूर्तियां 4 अलग दिशाओं की ओर उन्मुख हैं। इसी कारण इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की प्रमुख विशेषताओं इसके सैकड़ों खंभे हैं। इनकी संख्या संभवतः 1444 है। जिस तरफ भी दृष्टि जाती है छोटे बड़े आकारों के खंभे दिखाई देते हैं, परंतु ये खंभे इस प्रकार बनाए गए हैं कि कहीं से भी देखने पर मुख्य पवित्र स्थल के दर्शन में बाधा नहीं पहुंचती है। इस खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके अलावा मंदिर में 76 छोटे गुम्बदनुमा पवित्र स्थान, 4 बड़े प्रार्थना कक्ष तथा 4 बड़े पूजन स्थल हैं। ये मनुष्य को जीवन मृत्यु की 84 योनियों से मुक्त प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंदिर के उत्तर में रायन पेड़ स्थित है। इसके अलावा संगमरमर के टुकड़े पर भगवान ऋषभ देव के पदचिन्ह भी हैं। ये भगवान ऋषभ देव तथा शत्रुंजय की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। मंदिर के निर्माताओं ने जहां कलात्मक को 2 मंजिल भवन का निर्माण किया, वहीं भविष्य में किसी संकट का अनुमान लगाते हुए इसके नीचे कई तहखाने भी बनाए गए हैं। इस तहखानों में पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। ये तहखाने मंदिर के निर्माण की संबंधित दूरदर्शिता का परिचय देते हैं। दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो आप ये मंदिर कभी भी विजिट कर सकते हैं। इसका नक्काशी दोस्तों बहुत ही सुंदर हुआ है। उस टाइम मतलब देखो, विज्ञान टेक्नोलॉजी नहीं थी तभी कितना अच्छा नक्काशी किया है उस टाइम के कारीगरों ने। दोस्तों, ये मैं गया था, मतलब अच्छा टाइम था, बारिश का सीजन था, तो साइड में जो साइड व्यू है अच्छा लगता है। बारिश सीजन में अगर प्रेफर करते हैं तो आप वैसे भी सितंबर से आप फरवरी मास में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा धूप गर्मी भी नहीं रहती है। तो यहाँ के भगवान